छात्र युवा मंच ने गोंडाहूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पुनः वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम बीएमओ को ज्ञापन दिया। गोंडाहूर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी वैक्सीन लगाने पंखाजूर जाना पड़ रहा है, जिसके चलते पंखाजूर वैक्सीनेशन सेंटर में भारी भीड़ लगी रहती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गोंडाहूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ दिन वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद वहां वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। किसी ने पहला डोज लगवा लिया तो किसी को एक भी डोज नहीं लगाया गया। गोंडाहूर वासियों को गोंडाहूर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी वैक्सीन लगाने पंखाजूर जाना पड़ रहा है। पंखाजूर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने की भीड़ लगी रहती है, जिसके चलते कोरोना होने का भय बना रहता है। वहीं बुजुर्गों को भी पंखाजूर जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र युवा गोंडा संख्या एवं बाकी सदस्य द्वारा पंखाजूर सिविल अस्पताल जो बीएमओ है उनके पास हम लोग ज्ञापन देने आए हैं इस मांग के लिए, क्योंकि गोंडा क्षेत्र में मतलब वैक्सीनेशन क्रिया पहले चालू थी, अभी बंद हो गई है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो हमने स्वास्थ्य मंत्री के नाम से बीएमओ को आज ज्ञापन दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।